नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। उप मुख्यमंत्री ने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा NHAI के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के उपायुक्त भी इस बैठक से जुड़े हुए थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें विभाग का प्रभार भी है, ने दो दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और प्रदेश में NHAI के अंतर्गत चल रहे कई प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को तेज करने व कुछ नए प्रोजेक्ट्स को चालू करवाने बारे विस्तार से बातचीत की थी। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के संदर्भ में आज उन्होंने कहा कि वे भविष्य में त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों की मासिक बैठक लेंगे। उन्होंने अम्बाला कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में चरखी दादरी जिला के गांव ढाणी, फोगाट, कपूरी व खातीवास के ग्रामीणों की अधिग्रहित जमीन, कैथल जिला के गांव कोल में प्रस्तावित ब्रिज के मामले में आ रही बाधा तथा जिंद जिला में भी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे बारे संबंधित जिलों के उपायुक्त से बात की और मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल व कैथल जिलों में अधिग्रहित जमीनों के बकाया मुआवजे देने व रास्ते में पड़ने वाले कैनाल क्रॉसिंग ढांचों के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले मिर्का माइनर और स्थानांतरित करने जैसे मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक पर 8 लेन फ्लाईओवर व 4 लेन अंडरपास बनाने, महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर, इफको चौक, राजीव चौक व सिग्नेचर चौक पर अंडरपास व फ्लाईओवर बनाने, शंकर चौक पर एलिवेटर यू टर्न व सिरहोल बॉर्डर पर अंडरग्राउंड यू टर्न के निर्माण आदि प्रोजेक्ट्स बारे अधिकारियों से जवाब तलबी की। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, वन विभाग व सिंचाई विभाग के अलावा अन्य विभागों में लंबित मामलों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में हो रही देरी पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली तथा विभागीय अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने उक्त प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बाद रिठोज दमदमा की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनाने तथा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हिसार जिंद कैथल रोड को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।